निश्चित रूप से इनको तो फांसी पे लटकाना चाहिए, इसके अलावा और ऐसे गरीब लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता। और इसमें जो राक्षस हैं, दरिंदे, उनके साथ मानव का व्यवहार नहीं किया जा सकता, इनके लिए तो फांसी ही इनकी रास्ता है। मामला नंबर एक, इंदौर में मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में महज 23 दिन में फैसला, आरोपी को सजाए मौत। मामला नंबर दो, डिंडोरी के अप्रैल 2017 के अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या के बाद आरोपियों को सजाए मौत के मामले में हाई कोर्ट जबलपुर ने सजा यथावत रखी। मामला नंबर तीन, भोपाल में मासूम के साथ घर में घुसकर रेप के मामले में 37 दिन में चालान पेश, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में। मामला नंबर चार, सागर के पानी थाना अंतर्गत जुझारपुरा में एक नाबालिका को जाल में फंसाकर उसके साथ रेप करने के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी हिरासत में, गृह मंत्री मामले पर रखेंगे नजर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा 2 माह के अंदर फैसला, गृह मंत्री बोले आरोपी को फांसी होना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर अब सियासत तेज है, मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपनी जोर आजमाइश कर रही है। ताजे आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की पुलिस ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर रही है। केंद्र सरकार के उस अध्यादेश पर भी महामहिम राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, जिसमें कानून है कि 12 वर्ष की उम्र के नीचे मासूमों के साथ रेप करने वाले आरोपी को सजाए मौत होगी। वहीं इससे ऊपर मासूमों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने भी ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है। महिला सेल के साथ छेड़खानी से बचने और शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी बनाए गए हैं। पुलिस अलर्ट है। सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से नए नवेले नेता कमलनाथ आगे आए हैं। साहब के नाम से जाने जाने वाले कमलनाथ अब कांग्रेस प्रदेश के साहब बने हैं। उन्हें 2013 के बाद 4.5 सालों में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कमलनाथ ने अध्यक्ष बनते ही महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रख सिर्फ ट्वीट कर दिया और विरोध करने की जिम्मेदारी अपने खेमे के नेताओं को दे दी। उनकी टीम अब इसी मुद्दे पर फोकस बनाए है। विरोध की दस्तक देने के लिए सभी कांग्रेसियों को महिला सुरक्षा मामले में विरोध दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। अब सवाल है, जब कश्मीर के कठुआ मामले को लाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सियासत और अपनी राजनीति चमका सकती है, तो अब उसे प्रदेश में ऐसे मुद्दों पर सड़क पर आने का मौका मिला है। मामलों की सच्चाई उसके सामने है, उसे तो अपने नेता कमलनाथ की सरपरस्ती कर उसका आदेश मानना है, क्योंकि वो कमलनाथ की बात मानेंगे, विरोध करेंगे तो साहिब की नजरों के चश्म नूर बन जाएंगे। बात सही भी है, 4 सालों से सड़कों से गायब, मुद्दों से गायब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नई ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मानक अग्रवाल को वापस पद दिया है, जिन्होंने वर्ष 2013 में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी और शोभा ओझा को भला बुरा कहकर पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत ही अच्छा काम किया, एक मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं का संगठन खड़ा किया, महिलाओं को जोड़ा, उसको हटा के एक फर्जी शोभा ओझा ने वहाँ से नियुक्तियाँ भोपाल में कर दी, जो 4 महिलाओं को लेकर आंदोलन नहीं कर सकती उसको यहाँ पर बैठा दिया, और सारी पॉलिटिक्स दिल्ली में बैठकर ये सुरेश पचौरी शोभा ओझा करते हैं, वो शोभा ओझा दबाव में सुरेश पचौरी के करती है। तो इस तरीके से यदि मध्य प्रदेश में चलेगा तो 2008 में जिस तरीके से चुनाव हरवा दिया गया पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी उस समय नहीं बन पाई सुरेश पचौरी की वजह से, सारे टिकट इसने भेज दिए। अब जब मानक दिग्गी राजा के रहमो करम पर वापस पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, उन्हें अब सुरेश पचौरी की जगह आरएसएस और बीजेपी देखने लगी है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता हेमंत कटारे की करतूत को भुलाकर आरएसएस और बीजेपी को रेपिस्ट कह दिया। ये तो हालत है बहुत सुरक्षित है, सब भारत सबसे असुरक्षित है, महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं,
आए दिन रेप के केस हो रहे हैं, रेप की घटनाएं पूरे देश में नंबर थ्री पर है और कोई उनको सुरक्षा नहीं होता, जो लोग पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं कि सब मेरी भांजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, उनकी रक्षा करके बताओ, रक्षा सिर्फ समझौते हो जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। और उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जितने रेप के केसेस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग हो रहे हैं। मैं तो ये आज यहाँ पर आरोप लगाता हूँ कि आरएसएस के लोग शादी नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऐसी घटना अंजाम। बहरहाल अब चुनाव नज़दीक हैं, इस वजह से कांग्रेस के यह बयान चुनावी बयान हो सकते हैं। वहीं बांद्री मामले को लेकर सागर की कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, जबकि सच्चाई उसे मालूम है। सागर के बांद्री वाले मामले में पीएम रिपोर्ट में मासूम के एवल्सन का जिक्र आया है। सागर पुलिस ने मृतिका का बिस्तरा सैंपल रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल पहुंचाया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। इकराम के साथ हेमंत नवरंग, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।